कौन सा इंटरव्यू है, कौन सी कंपनी में खाना मिलता है? ये I hope you like the video. If you like the video, please like and subscribe. Good morning. Welcome back to the channel. एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उस सवेरे आ गया हूँ गार्डन में। मैं कोई देखना था, ये दो तीन पेड़ जो हैं ये डेंजर होते हैं तो निकाल रहा हूँ। मिर्ची की फसल तो खराब हो गई यहाँ पे। ये देखिए, दिख रहा आपको पारिजात? आहा, वाह वाह, झांपाना वाली फीलिंग आई है। पूरा बिखरा हुआ है, ये भरा हुआ है यहाँ पेड़ पे। रात को ऐसी खुशबू आती है ना इधर पे। वहाँ जा रहा आज इंटरव्यू के लिए। कौन सा इंटरव्यू है, कौन सी कंपनी में? श्योरवर्क्स। क्या करती है श्योरवर्क्स? आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। क्या सर्विसेज? हाँ, आईटी सर्विसेज। हाँ, अक्रॉस इंडिया। हाँ। इनका ऑफिस यहाँ बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। स्टार्ट यहीं पे हुई है 10 साल पहले। Who are the people behind it? People behind it ऐसा कुछ डिटेल तो दिया नहीं है मैंने। LinkedIn वगैरह पे ऐसा फाउंडर का नाम वगैरह तो कहीं मिला नहीं मेरे को। हाँ। पर 200 to 500 एम्प्लॉयज है टोटल। और मेन ऑफिस तो इनका शायद बैंगलोर में है, कॉर्पोरेट ऑफिस। और ऑफिस इधर ही है जो, हाँ, जहाँ पे मेरा इंटरव्यू है। फिर इंडिया में 25 ऑफिसेज है टोटल, पूरे इंडिया में। ऐसा ऑफिसेज या शॉप्स, स्टोर्स 25 है टोटल। इंडिया के बाहर भी है, मलेशिया, मलेशिया, यूएई और एक और कहीं है। 3 ऑफिसेज है इंडिया के बाहर। और वो जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, टर्नओवर कितना है कंपनी का? टर्नओवर की भी डेटा नहीं है, बस लिस्टेड कंपनी है इतना लिखा, और कुछ नहीं है। लिस्टेड नहीं है, दिखा रहा पे देखा रहा। चल, वहाँ पे वेटिंग कर रहा होगा तो पूछ लो। हाँ, अपू अंकल को पूछ लेना। तो अपना एक फ्रेंड है होम्बल, परसों आप मिले थे, उन्हीं के थ्रू ये इंटरव्यू फिक्स हुआ है। अरे यार, नोटबुक दे दो, डायरी। चल, ऑल द बेस्ट। हेलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। देवांश का इंटरव्यू हो गया, प्लस ट्रेनिंग 3 महीने की ट्रेनिंग में रख लिया उन्होंने फॉर फाइनेंस जॉब। गुड हो गया। अब डिपेंड्स अपॉन हिम कितनी मेहनत करता है। मेहनत करेगा तो फिर उसको आगे, प्लस ही विल अप्लाई फॉर जॉब के लिए भी, सॉरी MBA के लिए पार्ट टाइम। अब देखते हैं क्या करता है। अपन ने जो करवा दिया उसका। और आज पापा का श्राद्ध है, वो पितृ पक्ष वाला है ना, पितृ पक्ष वाला। उसका कुछ मेजर खाना वाना बनता है, तो आज कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है लंच तक, उसके बाद जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आज पापा का वो पितृ पक्ष वाला श्राद्ध है। तो अब जाके मैं थोड़ी पूजा करता हूँ और उसके बाद लंच, फिर निकलना है। एज आई वाज टेलिंग, आज थोड़ा काम है, टाइल की दुकान पे जाना है, तो वो सब निपटा के मिलते हैं आपसे। तो सज गया है, मैं लगा देता हूँ पूजा का। ये देखो, श्राद्ध की थाली भी रेडी है, तो करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्लास। थोड़ा इधर नहीं, लाइट ब्लॉक करनी है। हाँ, दिया दिया। सबसे पहला काम जो है दिए लगाने का हो गया। अब जो है पिताजी को चंदन का टीका सब चीजें लगा दिया। तो ये एक बार ऐसे चढ़ा दिया, ये सब अनाज वनाज भी ऐसे पिताजी को चढ़ा दिया। अब ये मंदिर में दान कर दिया जाएगा, ये भी गौ माता को खिला दिया जाएगा। और मिठाई तो है ही, थोड़ी सी मिठाइयाँ अर्पण कर देते हैं। ये सब जो है सारे पितरों को याद करके, अपने पिताजी को याद करके, श्री वासुदेव ओझा जी हमारे फेवरेट, सबके फेवरेट, बड़े बढ़िया आदमी थे, सब ठीक करना पापा। चलिए बस हो गया, दिस इज इम्पोर्टेंट। अपने पितृजनों को याद करना साल में 1-2 बार। अब 2 मिनट में ध्यान में बैठ जाता हूँ। तो देखिए खाना लग गया, वही अपना सैलेड है और बढ़िया देसी खांड की खीर। ये आज बड़ा खाना है, श्राद्ध का खाना ना, श्राद्ध का खाना बड़ा होता है। पनीर, भिंडी और ये मिक्स दाल, पहाड़ी दाल होती है ये। और ये चटनी मैंने पहले भी दिखाया था आपको। और कुछ है रायता, ओह रायता भी है। ये देखिए इतना खाना है आज, ज़बरदस्त। चलो थाली लगा के आइटम भी आ गए, वड़े, पूड़ी और चटनी। तो ये देखिए मेरी थाली विद द सैलेड। पता नहीं कितना खा पाऊँगा मैं। गजब। चलिए जैसे मैंने बताया था, जाना है एक सिरामिक शॉप में, वो टाइल्स वगैरह। चलो इन लोगों को श्राद्ध दिया। जैसे कि मैंने पहले बताया था, टुडे वी हैव टू गो फॉर दैट टाइल सेलेक्शन के लिए। तो ये टाइल्स देख ली, सारी सेलेक्ट कर ली बाथरूम के लिए, नए फार्म प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स। और उसके बाद घर आ गया। बेसिकली आज शाम को हमने वही कज़न को बुलाया है श्राद्ध के खाने के लिए। अभी चाय वाय पीता हूँ, चाय पी के उन लोगों को बुलाया, उनके आने का वेट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है आगे। चलिए मिलते हैं आपको उनके आने के बाद। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, श्राद्ध का जो है खाना, जितना ज़्यादा लोग खाएं उतना अच्छा है। तो आ गया ये भी, चाचा आ गए, चाची का भी नहीं मिस करना चाहिए हैं। ये ईवान आया है। और ये देखो दोपहर को जो आपने देखा था वही अब लोग, ये लोग खाएंगे। बहुत बढ़िया बड़े गरम गरम एकदम, और फ्रेश बन रहे हैं एकदम। खीर भी आज, खीर चटनी में लगाओ थोड़ा। और उधर पे सास और बहू बैठ के गप्पे लगा रही हैं। जेठानी, अच्छा मतलब जेठानी सास, वो सब वही है। मम्मी भी वही है, सास भी वही है, जेठानी भी वही है, बहन भी वही है। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है, बने रहिए। एंजॉय, खाना कभी मत मिस करिए बस। हाँ, बाकी जो करना है जीवन में करो, श्राद्ध का खाना मत मिस करो, बहुत टेस्टी होता है। खासकर हमारे पहाड़ियों का तो बहुत ही ज्यादा। मिक्स दाल वगैरह बनती है, मिक्स दाल, खीर, पूरी, सब्जी और बड़े। हाँ, तो देखिए खाना खाने की तैयारी हो रही है। फिर से पूरी वूड़ी बन गई। चाची खाना ले रही है, चाचा भी के अंदर गरम हो गया। मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और देवांश भी खाया, देवांश भी खाएगा ना? नहीं खा रहा। तो बफे सिस्टम है श्राद्ध का खाना। इनकी किस्मत अच्छी है, देखो अपनी होती है। पहले तो हो गई रात को, बढ़िया है। मजा आ रहा है, बहुत मजा है। गरम गरम पूरी, भिंडी की सब्जी उसके साथ खाओ। खैर पनीर तो है ही। चलो तो खाना शाना हो गया। डॉन बैठा, डॉन कैसा लगा खाना? बहुत बढ़िया। बस अब ये सब बिस्तर दिख रहा है सामने। वो देख, चलूं बोला तो दरवाजे के पास। ऐसे नहीं यार, अब बना लो पिट्टी, पेट छुपाने इतना बड़ा हो गया इसने। पेट छुपा लिया अपने तकिया लगा के। देखो मैं क्लोजअप में दिखाता हूँ। मैं नहीं हूँ ये मेरा नाम ध्रुव है। मेहमान लोग जा रहे हैं, चाची और चाचा। ऑयल उठाओ बेटा, तेल बॉल छोड़ की बोल नहीं छोड़ देता। अभी तो मुझे जूते पहनने हैं। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं क्लोज करते हैं। लिफ्ट पकड़े, चलो ब्लॉग क्लोज करते हैं। ब्लॉग इधर आओ, ब्लॉग में आया आओ, दोनों बीच में आओ। इस ब्लॉग को यही क्लोज करते हैं, इनको बाय कहते हुए। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसी तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बाय, गुड नाइट।